पॉप कॉलेजेज के इस डिजिटल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी विषय में जो हम लोग का प्रकरण चल रहा था वह था कबीर का समाज दर्शन। इस पे चर्चा हम लोग किए थे कि कबीर का समाज दर्शन क्या है, कबीरदास समाज को किस दृष्टि से देखते हैं और उसका रूप क्या होना चाहिए, वह क्या बताते हैं, इसके विषय में हम संक्षेप चर्चा किए थे। कबीर के समय का जो वातावरण था, 14वीं शताब्दी का जो वातावरण था, उस समय कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त थी समाज में, जो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, सांप्रदायिकता, भेदभाव, छुआछूत इत्यादि जो समस्याएं विद्यमान थीं, उन समस्याओं को कबीर ने पूरे निडरता के साथ महसूस किया, देखा और उसकी कटु आलोचना की एकदम तटस्थ होकर के। अब उसी समाज दर्शन को हम जो उसकी मुख्य बिंदुएं हैं उस पे चर्चा करेंगे। कबीर का समाज दर्शन इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट राम रहीम की एकता। कबीरदास जी के समय में धर्म के नाम पे बहुत ही अधिक शोषण किए जा रहे थे। धर्म के नाम पे एक भारी खाई थी जिसको भरने का कार्य कबीरदास ने किया था। सारा समाज धर्म के नाम पर छिन्न भिन्न हो रहा था, जो मानवता थी वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। सभी धर्म के नाम पे राम रहीम के नाम पर ही आपस में झगड़ रहे थे, भाईचारे की भावना समाप्त हो चुकी थी और इन सारे व्यवहार से कबीर के हृदय को गहरी ठेस पहुंची। कबीर ये देख के अचंभित हो गए थे कि यह क्या हो रहा है, हमारी जनता क्या कर रही है जिसके बीच भाईचारे का, मानवता का, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। और उन्होंने उन सारी व्यवस्थाओं की कटु आलोचना की और राम रहीम की एकता पर बल दिया। कबीरदास ने यह बताया कि राम और रहीम दो अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। क्योंकि हिंदू जो थे वो राम को मानने वाले थे और जो मुस्लिम वर्ग था वह रहीम का पक्षपाती था, अल्लाह का पक्षपाती था और उसी को लेकर के वो आपस में लड़ रहे थे। कबीरदास जी यह समझाने का प्रयत्न किए कि दोनों एक ही हैं, वह अलग नहीं हैं, वह एक ही रूप है जिसको आप राम कह रहे हैं और जिसको आप रहीम कह रहे हैं। कबीरदास की यह मान्यता थी कि सब एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म के संतान हैं। उन्होंने कहा भी कि दुई जगदीश कहाते आया, कहु कौन भरमाया, कि किसने तुमको भ्रम में डाल दिया, तुम ये दो जगदीश, दो ईश्वर की बात कहाँ से कर रहे हो, ये राम रहीम की बात कहाँ से कर रहे हो, यह भ्रम की स्थिति तुम्हारे हृदय में किसने उत्पन्न कर दिया है, जबकि सत्यता यह है कि यह दो नहीं एक ही हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, उनके रूप अलग हैं, लेकिन वह एक ही हैं। और इस तरह से उन्होंने राम रहीम की एकता पर बल दिया। दूसरा, हिंदू मुसलमानों की एकता। ये जो समस्या थी हिंदू मुसलमान की, ये बहुत भयावह रूप में थी। हिंदू की दृष्टि में मुस्लिम नहीं था और मुस्लिम की दृष्टि में हिंदू नहीं था। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने में लगे थे और इन दोनों के बीच किस प्रकार से एकता स्थापित की जाए, उनके बीच के वैमनस्य को कैसे समाप्त किया जाए, इस दिशा में कबीरदास ने प्रयास किया और उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से, अपने साखियों के माध्यम से
हिंदू मुस्लिम की एकता पे बल दिया, जो छुआछूत की जो भावना थी, जाति पात को लेके जो भेदभाव विद्यमान थे, इन सबको उन्होंने समाप्त किया। वो कहे भी कि सब एक चाम एक मलमूतर, एक चाम एक गुदा, एक ही ज्योत से सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सुदा। कि सबका रक्त एक ही रंग का है, मलमूत्र एक ही रंग का है, सबके जो चमड़े हैं एक ही रंग के हैं, तो फिर कौन ब्राह्मण हो गया और कौन कैसे शूद्र हो गया। अर्थात ब्रह्म ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हम आपस में जाति को लेके, धर्म को लेकर के, रंग रूप को लेकर के क्यों लड़ते हैं, क्यों संघर्षरत हैं। और इस तरह से कबीरदास ने हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया। उनके कहने का आशय यही था कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, मानवता ही प्रमुख है, न कि धर्म प्रमुख है। तीसरा, मूर्ति पूजा का विरोध। चूंकि कबीर निर्गुणवादी थे, उनके जो ब्रह्म है, जिस परमात्मा की वो बात करते हैं, वह रूप रंग से परे हैं। कबीरदास ने कहा है कि मेरे ब्रह्म का कोई भी रूप रंग आकार नहीं है, वह निराकार है, वह घट घट वासी है, वो एक एक कण में समाहित हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा कि उस समय जो मूर्तियां थी वह आपस में लड़ाने का कारण बनी हुई थी। धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे थे, मंदिरों के नाम पे लड़ रहे थे, अपने अपने संप्रदाय के नाम पे लड़ रहे थे। और यही बात कबीर को अत्यधिक आघात पहुंचाई कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ब्रह्म के लिए लड़ रहे हैं, उसको अपने सुविधा अनुसार हम रूप रंग आकार दे रहे हैं। और यही कारण रहा कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और एकदम सहजता से उनका कहना यह था कि जिस मूर्ति की हम उपासना करते हैं, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, जिसके नाम पे कई तरह के ढोंग किए जाते हैं, कई तरह के आडंबर किए जाते हैं, वह सत्य नहीं है। ब्रह्म कड़कड़ में व्याप्त है, वह हमारे हृदय में वास करता है, जिसके लिए मंदिर मूर्ति इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के उनका जो बल था वह मूर्ति पूजा न होकर के हृदय की शुद्धता पे था कि हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए हमें कोई व्यर्थ आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर जाएं, मूर्ति की पूजा उपासना करें, फूल चढ़ाएं, उपवास करें, इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो हृदय की शुद्धता आवश्यक है। और इस तरह से कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध किए, क्योंकि उस समय समाज में यह चरम पर था। तीर्थ रोजा आदि का विरोध। जब मूर्ति पूजन का विरोध कबीरदास ने किया, उसी के साथ साथ तीर्थ यात्रा, रोजा, उपवास, व्रत इत्यादि का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि यह सब उनके दृष्टि में एक आडंबर थे, मात्र एक दिखावा था, और उसको वह निसार बताते हैं कि इसमें कोई सार तत्व समाहित नहीं है कि हम तीर्थ करें, उपवास करें, रोजा करें, नमाज पढ़ें, इसका कोई सार नहीं है। क्योंकि यदि हमारा हृदय पवित्र नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो ये सारे जो कर्म कांड हैं वह हमारे आत्मा के उद्धार में सहायक नहीं है, उससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भले ही हम रोजाना तीर्थ यात्रा करें, रोज व्रत करें, रोज उपवास करें, लेकिन यदि आत्मा मलिन है, हृदय पवित्र नहीं है, फिर इसका कोई भी औचित्य नहीं है। ऐसा कबीर ने बताया, उन्होंने कई दृष्टांत दिए, कई उदाहरण दिए, और वह कहीं अलग से नहीं दिए थे, वह समाज में रह के समाज को देखकर ही दिए थे। क्योंकि वह देख रहे थे कि उस समय कैसे तीर्थ के नाम पर
रोजा के नाम पर, उपवास के नाम पर लोगों को ठगने का कार्य किया जा रहा है। कैसे लोग स्वयं कई तरह के पापों में लिप्त होकर के ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, और ये सब कुछ देख करके उन्होंने इसका खुलेआम विरोध किया, कटु आलोचना की। उन्होंने बताया कि यह सब प्रभावहीन है, इससे आत्मा का लेना देना नहीं है। माला फेरना, सिर मुड़ा लेना, जटा बढ़ा लेना या कपड़े रंगवा के पहन लेना इत्यादि में कोई सार नहीं है। इसका कोई ब्रह्म पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई मोक्ष की प्राप्ति किसी को मिलने वाली नहीं है। इसलिए सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कई दृष्टांत दिए, जैसे उन्होंने कहा कि कबीरा माला मन की और संसारी भेद, माला फेरे हर मिले गले रहट के देख। ऐसे ही उन्होंने कई सारी चीजें बताई। मुसलमानों के लिए भी कहा कि दिन को रोजा रखत है रात हनत है गाय, कि दिन भर तो तुम रोजा रखते हो और रात्रि में क्या कर रहे हो, गाय को मार रहे हो, गाय की हत्या कर रहे हो। तो ये धर्म हुआ कि पाप हुआ, ये क्या हुआ कि दिन को रोजा रखत है रात हनत है गाय, जबकि असली धर्म क्या है कि मानवता की रक्षा की जाए, प्राणी मात्र पे दया की जाए, सहयोग की भावना हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो तीर्थ करने से, रोजा रखने से, उपवास करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अगला, गंगा स्नान का विरोध। कबीरदास जी, चूंकि पूरा मिलाकर अगर हम देखेंगे तो आडंबर के घोर विरोधी थे। वह आडंबर जो कबीर के समय में समाज में भयावह रूप में फैला हुआ था, एक बहुत बड़े दिखावे के रूप में, कबीरदास ने गंगा स्नान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि गंगा में स्नान करने से, गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप उतर जाते हैं, हम अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं, तो बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो गंगा नदी में सदैव से ही निवास करते आ रहे हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो जाती, वह अपने पाप से क्यों नहीं मुक्त हो जाते। अगर यह सत्य है कि गंगा स्नान से पाप उतर जाएगा, हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो फिर उन जीव जंतुओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए। और ऐसे ऐसे दृष्टांत दे करके, उदाहरण प्रस्तुत करके कबीरदास ने गंगा स्नान का भी विरोध किया। अगला है, निंदा का खंडन। निंदा का खंडन। कबीरदास पर निंदा को समाप्त किए, वह दूसरे की आलोचना करने को पाप माने, क्योंकि उस समय वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के दोष का अन्वेषण करने में लगा है, वह एक दूसरे के दोष को खोज रहा है, और स्वयं जो अवगुण उसमें व्याप्त हैं, जिस अवगुण में वह लिप्त है, उससे अपरिचित है। कितनी विडंबना की स्थिति है कि वह दूसरे के दोषों का अन्वेषण कर रहा है और स्वयं में जो दोष हैं उससे वह अपरिचित है, वह जानता ही नहीं है कि उसके अंदर कौन कौन से अवगुण विद्यमान हैं। कबीरदास जी ने इसको महसूस किया और महसूस करने के बाद वह परनिंदा की आलोचना किए कि परनिंदा सबसे बड़ा पाप है, बहुत बुरा कर्म है, और यह हमारे विकास में बाधक है, हमारी उन्नति में बाधक है कि हम एक दूसरे की निंदा आलोचना करने में लगे रहें। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि दोष पराए देख के चला हसत हसत, अपने चिंत न आबई जिसका आदि न अंत। दोष पराए देख के चला हसत हसत, कबीरदास ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो,
कि दूसरे के दोस्त को तुम देख रहे हो और बहुत ही मस्त मगन होकर के चले जा रहे हो, दूसरे के दोस्तों पे हंसते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए तुम्हें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अपने चिंत न आवई जिनका आदि न अंत, लेकिन तुम अपने भीतर नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितने दोष हैं जिसका न कोई आदि है न अंत है। तुम अपने अवगुण से, अपने दोष से, अपने कुकर्म से अपरिचित हो और दूसरे के दोषों को खोज रहे हो, दूसरे के आलोचना करके, दूसरे की निंदा करके तुमको आनंद की अनुभूति हो रही है। और इस भावना से कबीर ने निंदा का खंडन किया, उसको सबसे बड़ा पाप माना। सतगुरु का महत्व। कबीरदास ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक मानते हैं कि हम ब्रह्म की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से कर सकते हैं? जब हमें सतगुरु प्राप्त हो। ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को प्राप्त करना है तो सतगुरु चाहिए। और इस तरह कबीरदास ने सतगुरु के महत्व को प्रतिपादित किया। वह ब्रह्म से भी ऊंचा स्थान गुरु का बताए, क्योंकि कबीरदास की मान्यता थी कि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, हमारे ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से कबीरदास जी के गुरुदेव को अंग जब हम पढ़ेंगे तो उस गुरुदेव को अंग में हम गुरु की महिमा का वर्णन ही पढ़ते हैं। उनके गुरुदेव को अंग में प्रत्येक साखी में गुरु के महत्व का ही प्रतिपादन कबीरदास ने किया है। बहुदेवाद एवं अवतारवाद का विरोध। कबीरदास जी निर्गुण मार्गी थे और बहुत से देवी देवताओं में आस्था रखने का वह विरोध करते हैं, अवतारवाद का वह विरोध करते हैं। उनका मानना है कि एक ही ब्रह्म है और उसी ब्रह्म से पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, उसी ब्रह्म से पूरा संसार संचालित हो रहा है, और इसलिए बहुदेवाद और अवतारवाद का वह खंडन करते हैं, क्योंकि इसके नाम पे भी आपस में संघर्ष व्याप्त था, लोग आपस में लड़ रहे थे, अलग अलग देवताओं के विभिन्न रूपों को मानने वाले थे, और इस तरह मान्यताओं के बीच जो मानवता है, जो नैतिकता थी, वह लुप्त हो गई थी। लोग धर्म के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, अवतारवाद के नाम पे आपस में कट मर रहे थे, जिसका कबीर ने विरोध किया। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीरदास ने कहा कि ईश्वर के बहु रूप नहीं है, उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि ईश्वर मंदिर में ही निवास करते हैं, ईश्वर मस्जिद में ही निवास करते हैं, वह घट घट में व्याप्त है, वह कड़कड़ में समाहित है, वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। और इसी भाव से कबीरदास निर्गुण ईश्वर में विश्वास किए। उन्होंने अपनी मान्यता प्रतिपादित की कि जो निर्गुण ईश्वर है उसका कोई रूप रंग आकार नहीं, कोई गुण नहीं है, वह गुणों से रहित है, रूप रंग से रहित है और घट घट में व्याप्त है। इस तरह से कबीर का समाज सुधार था, जिसमें कबीरदास जी अपने समाज सुधार कह सकते हैं, समाज दर्शन कह सकते हैं, या सामाजिक चेतना कह सकते हैं। यानी कबीरदास अपने समय में जो समस्याएं व्याप्त थीं उसको कैसे अनुभव किए, उसकी आलोचना की और उससे मुक्त होने के मार्ग को भी प्रशस्त किया, जिसमें सबसे चरम पे हिंदू मुस्लिम की एकता, राम रहीम की एकता, जाति पात का विरोध, वाह आडंबर का विरोध, निंदा का खंडन, सतगुरु का महत्व, बहुदेवाद अवतारवाद का विरोध, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। अब जब ये कुल मिला करके हम निष्कर्ष पे आएंगे तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि कबीर ने समाज अथवा धर्म की किसी भी व्यवस्था को वैसा नहीं रहने दिया जैसे कि वह चली आ रही थी। जो व्यवस्था समाज की, जो धार्मिक
वातावरण समाज की पहले थी, कबीर ने वैसा नहीं रहने दिया। उसने वह परिवर्तन किए, बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया, उनके भीतर मानवता जागृत हुई, नैतिकता विकसित हुई और वह अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अपने कार्यों को करने लगे। समाज की प्रत्येक पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो भी रूढ़ियाँ, आडंबर, शोषण, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पे संघर्ष, जाति पात, छुआछूत, भेदभाव इत्यादि की जो व्यवस्था पहले से विद्यमान थी वह धीरे धीरे एक एक करके समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि सहज कर्म ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। कबीर ने एक संदेश दिया समाज को कि आप कुछ मत करिए, कोई तीर्थ व्रत, उपवास, रोजा, नमाज, मूर्ति पूजा कुछ मत करिए, मात्र आपका सहज कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कार्य को पूरी सहजता के साथ करिए, पूरे मानवता के साथ अपने कर्म को करिए और वही सबसे बड़ा धर्म है। और मनुष्यता ही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और जीवन का उद्देश्य एकमात्र मानवता होनी चाहिए, जिसमें सहयोग, प्रेम, त्याग, समर्पण इत्यादि के भाव होने चाहिए। ये हो गया कबीर का समाज दर्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अब कबीर से एक और प्रश्न बनता है, कबीर की भक्ति भावना, कि कबीर दास की भक्ति भावना कैसी थी, जिसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।